खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, केएनएन मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता सिंह। केएनएन मीडिया की खास मुहिम जारी है, जिसमें हर गांव में जाकर देश की विकास की धुरी को आंकते हैं और गांव से जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव में जाकर ताकि उनकी विकास और उनकी जो भी समस्याएं हैं आप तक जरूर पहुंचा सको, उनकी समस्याएं दूर हो। आज हम पहुंचे हैं बुटाना गांव में, तो आज हम बात करेंगे बुटाना के कुछ ग्रामवासियों से, उनकी आवाज और उनकी कहानी खुद वो खुद क्या करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बुटाना गांव में विकास और शिक्षा और गांव में समस्या है तो किस क्षेत्र में है। केएनएन मीडिया की टीम की यही कोशिश रहती है कि विकास की प्रगति की ओर ध्यान दें, साथ में उनकी हर समस्या को आप तक पहुंचाने की। आप सभी को तस्वीरों में मंदिर दिख रहा होगा। बात करें इस मंदिर की, ये भव्य स्वरूप मंदिर श्री कृष्ण की है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं मेरा गांव मेरे देश के कार्यक्रम को। तो चलिए आज हम बात करेंगे गांव के कुछ सरपंच से और यहां के ग्रामवासियों से बात करते हैं कि गांव में समस्या क्या है और विकास। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह। केएनएन मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो केएनएन मीडिया की खास मुहिम जारी है, जिसमें हर गांव में जाकर देश की विकास की धुरी को आंकते हैं और हर गांव में जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। मेरा गांव मेरा देश के कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव में जाकर उनकी समस्याएं और विकास को सामने लेकर आते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ बुटाना के कुंदू के सरपंच से कि क्या इस गांव में विकास और समस्याएं हैं। तो आइए उनके खुद के उनकी जुबान से उनकी कहानी सुनते हैं। राम राम भाई सारे भाई। समस्या 50 साल से समस्या बहुत बड़ी हुई है और किसी सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जमीन पर एक थोड़ा कब्जा है, उसमें तो हमने 500-600 बीघे जमीन छटवा दी। 300 बीघे जमीन दो आई बाल कब्जे में उनके, और कुछ पर केस कर रहे हुए सटे बटे ले रहे हैं हाई कोर्ट ते। और हमने भी वकील कर रखा है सरकार से और अनुरोध से मांग है कि यह जमीन खाली होनी चाहिए, गांव के विकास में हिस्सेदारी हो जाए, आंदनी हो जाए गाँव के। तो सबसे भाईचारे से भी और सारा गांव भी इस बात में पूरा हंगामा रहा है कि यह जमीन छूटनी चाहिए, क्यों एक थोड़ा जमीन का पूरी जमीन पर कब्जा करे बैठे और पूरा गांव खाली है। उस गांव की सारा भाईचारा की यह है भैया छूट देनी चाहिए, गांव में इसकी बोली हो गए और गांव में विकास हो और विकास पूरा हो गए, जमीन पूरी रकबा खाली हो जाए। उस जमीन हम सबसे भी जमीन हमने छटवाई भी है, जमीन के कारण मन ने भी बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ी है। साल भर के लिए मैंने जेल भी काटी है। अदो मैं सरकार से भी यह मांग करो हूँ भाई जमीन मारी या छटवाओ और मारी मदद करो। आपने कोई पदाधिकारी अधिकारी से आपने इसके बारे में आवाज उठाई है, तालाब को आप हटाइए यहाँ से और गंदी पानी को बंद करवाइए ताकि लोग बीमार ना हो सके। यहाँ बहुत सारे मच्छर पनपते हैं जिसकी वजह से लोग को डेंगू होने का भी डर रहता है। आपने किसी अधिकारी से बात की इस बारे में? हाँ जी, बात किया हमने 8-7 बजे को रेजुलेशन भेज दिया है, मांगे हमने रेजुलेशन हमने दे दिया इसका। अब भाई जो मराठवाद आए इसको जब अब देखो इतना बड़ा गंद हो कहीं भी नहीं मिल रहा, इतना बूंदा छड़ा और सौदा बीमारी का मच्छर का दौड़ा पूरा कम है, मच्छर मछर का दौड़ो मोटी बीमारी है उड़ो। और मांग हमारी पुरानी मांग से पूरे आ रहे हम सबसे पहले यह मांग करा, हमारी मांग यह पूरी नहीं हो रही। इसने पछड़ा सरपंच ने मांग करी थी, हमने 4 साल हमने भी 5 साल हो रही है इस मांग में, हम भी अधूरे रह गए इस मांग से। और मैं तो हम भगवान से कहूँ आपसे भी सरकार से भी मांग करो हूँ कि इसको हटवा जाए, इसकी जगह पार्क बनवा जाए, बूटा ठेरा आठ फिर ले बड़ा काम है, जनसंख्या ज़्यादा है, इस मान घर की जगह हो जाए। वो तो सारा भीड़ है कितने भी और नहीं है, वो तो सारा भीड़ है कितने भी और नहीं है। सब तरह हमने ये भेद रखे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई तालाब का कारण, उनका बचेरा हो रहा है। फिर यू दूसरी मांग थी या ये दो मांग हमारी तय अधूरी पड़ी है धरती की और इस तालाब की। वैसे बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा के तहत तो स्कीम्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे लॉकडाउन में, जैसे लॉकडाउन में लोग घरों में थे तो लॉकडाउन में मजदूरों को क्या मनरेगा के तहत
काम मजदूरों को काम मिले राम लेकर गए तय के मजदूरों ने काम चलाया है। लॉकडाउन में मजदूरों ने बहुत काम कराया है, मनेका का तय थे बड़ा काम कराया है। हमने भी उनके बच्चा की और की जो समस्या थी हमने वह भी हल करी है और भाई सरकार ने भी बथेरी मदद करी है। और भाई गांव में भी हमने सैनिटाइजर का 4 बजे सबने करवा दिया था और घर घर जाकर सब भाई हमने समझा दिया था भाई बाहर का आदमी आवे और बाहर का दूसरा आदमी है भाई दूरी बना रखे भाई मुँह का मास्क लगावे बगैर मास्क बात नहीं करे। हम सबको घर घर जाकर समझा दिया है, सब आदमी सारे समझ गए हैं, बड़े अशाब्द रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा हैं, बड़ी दूरी बना के बैठे हैं और इसी कोई बात समस्या नहीं मरसा ही तो कोरोना का हिसाब से समझदार हो गए सारी सरकार ने सब हिसाब ट्रेनिंग दे दी। ट्रेनिंग करते हैं तुम खुद भी समझ गए हैं कोरोना का कोई नहीं रहे। जैसे कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक का वन पहला चरण जो है वो चालू है जिसकी 1 सप्ताह खत्म भी हो चुकी है, तो क्या अनलॉक वन में आप सभी को सब कुछ मुहैया हो रही है? हर एक दुकान खुली हुई है, आप सब उस लॉकडाउन का नियमों का पालन अभी भी कर रहे हैं या फिर छोड़ दिए? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो खोल दिए ना तो खुलवाए है, मंजूरी ली है तो मंजूरी लेकर दुकान खोली, कोई बिना मंजूरी कोई दुकान नहीं खुली है, सारी मंजूरी खुली है। लॉकडाउन में सब छोटा बंद था, 2 दुकान खुल ली थी, उन पर तो जो सामान था प्रतून का वो बड़ा हिसाब से लिया जा रहा था भाई, 5-5 फुट की दूरी बना रखे थे जो सामान ले थे। इसमें लॉकडाउन में कोई वह नहीं बरती गई है, सब हिसाब से काम रहा है बढ़िया ना। आप गांव वालों से क्या अपील करना चाहते हैं अभी जैसे कि कोरोना जैसी महामारी लोग संक्रमित की आंकड़ा बढ़ती ही जा रही है इस दुनिया में, इस भारत की बात करें तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है अभी फिलहाल, तो आप गांव वालों से अपनी क्या अपील करना चाहते हैं, लोग कैसे रहे संक्रमित से कैसे बचे? बता दिया सब आगे गाँव में हमने इकट्ठा भी कराया था, फिर घर घर भी जाया कराया बता था, 5-5 7-7 भाई हमने बताए थे और अपन मोल ले गए सबने समझा दियो, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब हमने समझा कर बता दिया था। और भाई मास्क ला रही हो और दूरी बना रखियो, कोरोना है बीमारी देख लो है ई भी आज सरकार ने कुछ बता दिया था, अगर भाई इसका जीना पड़ा कोरोना का हिसाब में, इस समझदारी से जो रहेगा उसका कोई कोरोना कुछ नहीं मानती, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, जो समझदारी से रहेगा और जो समझदारी से ना रहेगा। गांव के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि उनकी जवानी उनकी कहानी उनसे खुद सुनते हैं कि विकास के प्रति और समस्याएं क्या है। जी आपका नाम? जोगिंदर जी। जोगिंदर जी आप बुटाना से गांव से हैं? बुटाना कुंड से जी। तो आप ये बताइए कि आपके गांव में किस चीज की समस्याएं हो रही है अभी? समस्या तो जी बिजली की कम आवा है वैसे जी, बहुत कम आवा, खेता की कम आवा, रात में दे दे दिन में देनी चाहिए खेता ही लग जी। और तो नहर भी कम आवे है, पानी की भी समस्या है। पानी की भी समस्या है। जी करवागो का पार्क बन गया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि निकासी 20 बगैर नहीं निकासी हो गई का पार्क बनवा दो नहीं करवा रही है सरकार। तो आप सभी ने जाना इस गांव के सरपंच से विकास शिक्षा और उपलब्धियां के बारे में, ऐसे ही फिर मुलाकात होगी फिर किसी गाँव में, आप देखने के लिए यूं ही लगातार K9 मीडिया के साथ बने।